मौजूदा कोसली विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जगदीश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी कोसली से उनकी एक बड़ी जनसभा है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचने हैं, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ के वोटर्स, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, क्या जो है तस्वीर इस बार कोसली हलके में देखने को मिलेगी, और क्या मान के चले जो जगदीश यादव जनता के दिलों में राज कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, एक अरसे से, तो इस बार क्या मान के चले, ये जो दिल है बिल्कुल खिलने वाले फूल के। फूल तो नहीं खिलेगा, आप पंजा खिलेगा, हाथ का पंजा। जाटूसाड़ा से विधायक बने थे, इस बार कोसली से जो है कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। देखो लामा जी, तो आप ही आकलन कर सकते हो, मुझे पूरे आशा और भरोसा है, विश्वास है कि इस बार हम बहुत भारी मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। जो जादू भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में चला, वो विधानसभा चुनाव में बढ़ के आने वाला है। बिल्कुल आ रहा है, बहुत भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब भी ये राज में रहे, आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, राज के अंदर इन्होंने जो सार्वजनिक कार्य किए अपने हलके के अंदर, वो 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में कोई एक सांसद नहीं कर सका। ऐसे नेता है जगदीश यादव जी, और आने वाले चुनाव विधानसभा 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। भाई साहब, कोसली हलके से एक हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा में कोसली की सीट का मार्जिन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी जीत जगदीश यादव की होगी। जो 10 साल का कार्यकाल भाजपा को जनता ने दिया, इस कार्यकाल में इसने बेरोजगारी, आपस में जातिवाद, धर्म के नाम पर राजनीति करके इन्होंने देश को फाड़ने का काम किया है। अब उम्मीद किससे है? अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी से, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने और जगदीश यादव यहां से एमएलए बने और मंत्री बने, एक तरफा जीत भी है जगदीश यादव जी की। भाई बात सुन ले, अगर आज अगर मोदी भी इसके बराबर में आ जाएगा तो भी 50,000 तय जीतता हो। और मैं एक बात बताऊं, सो लोग डर रहे हैं थोड़ा सा, आओ 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 हो खोजा, कुछ भी आओ, कुछ नहीं होता। लेकिन सामने जब छोर सो ऐसे, तो उनकी माँ के कहेगी बेटा आओ आओ ऐसे, तो ये आओ तो डर रहा है, आज वो आओ भी लखड़ जाओ। जुल्म ही कब तक जुल्म करेंगे, तत्न के अधिकारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। या एरियल ग्रंथा नहीं बेकेगी, जनादेश स्पष्ट है, बोहरा जी बीर कोसली से भारी मतों से विजय हो रहे हैं। ये बार बार के बंडे जो रोवण हैं, मैं सीएम बनूंगा, हर बार डम्मी कैंडिडेट कोसली में, लगातार 10 साल से जनता इनके कार्यकाल त्रस्त हो चुकी है। ये बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है, काले से धोड़ा नहीं होगा, लिखवा लुची। आज दीपेंद्र हुड्डा रहे, कितना परिवर्तन होगा इस रैली के? एक तरफा जीत गए जगदीश यादव, आज से ही समीकरण एक तरफा हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका रैना न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है कोसली विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जगदीश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी कोसली से उनकी एक बड़ी जनसभा है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचने हैं, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ के वोटर्स, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, क्या जो है तस्वीर इस बार कोसली हलके में देखने को मिलेगी, और तमाम जो है अलग अलग गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी क्या नाम है? ऋषि यादव, जगदीश यादव भतीजा। अच्छा, भतीजे हैं जी। क्या देख रहे हैं आज की जो तस्वीर है, जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? ये तो आप ही देख लो, अब जी कितनी भारी भीड़ हो रही है, अभी इससे 4 गुना पब्लिक अभी आनी है। जगदीश यादव पहुंच चुके हैं, जनता जनार्दन के बीच हैं, और कहीं ना कहीं आज इनके एक बड़ी जनसभा भी है, बड़ी जनसभा, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचेंगे। जगदीश यादव जी पहुंच चुके हैं अपने समर्थकों के बीच, अपने परिवार के बीच। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज बड़ी जनसभा है, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जनता का भी तगड़ा जमावड़ा है। वो तो होना ही चाहिए, अब दीपेंद्र जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए सभी साथी आए हुए हैं। जगदीश यादव।
जाटू साड़ा विधानसभा होती थी एक बार, वहां से आप विधायक बने थे उस समय, और उसके बाद लगातार जो है एक दो चुनाव आप हारे भी, एक दो चुनाव आपके ड्रॉप भी हुए बीच में, लेकिन ये कुनबा नहीं टूटा, ये प्यार क्या कहलाता है? ये तो मेरे, मैं इनके दिल में हूँ, दिल में बसा हुआ। क्या मान के चले जो जगदीश यादव जनता के दिलों में राज कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, एक अरसे से, तो इस बार क्या मान के चले ये जो दिल है बिल्कुल खिलने वाले फूल के? फूल तो नहीं खिलेगा, हाँ पंजा खिलेगा, हाथ का पंजा। मान के चले कि जगदीश यादव जो जाटू साड़ा से विधायक बने थे, इस बार कौशली से जो है कांग्रेस को विजयी बनाएंगे? देखो लामा जी, तो आप ही आकलन कर सकते हो, मुझे पूरे आशा और भरोसा है, विश्वास है कि इस बार हम बहुत भारी मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में एक आकलन था कि बीजेपी लीड ले सकती, लेकिन आपने वो लीड नहीं आने दी, वो लीड बिल्कुल जो 2019 में मिली थी वो जीरो हो गई इस बार, तो क्या माने विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस हावी रहने वाली है? बहुत आगे रहने वाले, बहुत आगे, हम बहुत आगे चल रहे हैं, और आप देखते जाओ दिन पे दिन ये बढ़त होती जाएगी और आपको साफ नजर आ जाएगा चुनाव के आखिर में आकर के कि एक तरफा चुनाव बीजेपी का। जो जादू भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में चला, वो विधानसभा चुनाव में बढ़ के आने वाला है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज भूपेंद्र हुड्डा आपके कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, आपके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने विचार भी रखेंगे, क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा के इस कार्यक्रम के बाद कितना जो है और माहौल पलटने वाला? एकदम बदलाव आएगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, वो लोगों के दिलों में बसे हुए। एक आखिरी सवाल रहेगा छोटा सा आपसे, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं कितना जो है अपने सामने टिकाऊ मानते हैं, कितनी जो है अपनी फाइट मानते हैं? फाइट कोई नहीं है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। यानी कि भाजपा ने हल्का कैंडिडेट उतारा, आप मानते हैं कोई टक्कर नहीं है कांग्रेस की? नहीं, कोई भी आता वो एक ही बात। यादव जी, जगदीश यादव जी ईमानदार छवि के नेता है, ये हमेशा मतलब हमेशा ये लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। जी जी भाई साहब, इनकी जो अच्छी छवि है ना, उस इन नेताओं की पहचान कैसे की जाती है, पब्लिक करती है। देखो 31 साल ये राज से दूर है और फिर भी इनके वर्कर इनसे दूर नहीं हुए, क्योंकि जब भी ये राज में रहे, आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, राज के अंदर इन्होंने जो सार्वजनिक कार्य किए अपने हलके के अंदर, वो 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में कोई एक सांसद नहीं कर सका। ऐसे नेता है जगदीश यादव जी, और ईमानदार और साफ छवि, मिलनसार, लोगों के दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं। कोई आम आदमी, कोई बिचौलों की ज़रूरत नहीं है। इनमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भाई किसी गुट को बनाकर किसी एक आदमी को पकड़ के नहीं चलते, ये सभी को सामान्य रूप से देखते हैं, पहली घंटी में फोन उठता है, ऐसे नेता जगदीश यादव जी है। और इनकी ईमानदारी और इनकी साफ छवि के कारण आज पूरा इलाका इनके साथ है, और आने वाले चुनाव विधानसभा 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी भाई साहब, कोसली हलके से एक हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा में कोसली की सीट का मार्जिन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी जीत जगदीश यादव की होगी। कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र की जब बात आती है, फिर कोसली की 2014 की बात हो, 19 की बात हो, बीजेपी जीतती है, तो बीजेपी का भी कब्जा मानते हैं, क्या मानते हैं? देखो बीजेपी का कब्जा था समय है, आज लहर कांग्रेस की है पूरे हरियाणा के अंदर। तो काम देखे हैं जाटू साड़ा से विधायक थे उस समय, काम हुए बढ़िया, काम किया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ है? उसके बाद इन्होंने पार्टी चेंज करी बार बार, कभी टिकट नहीं मिली, कभी निर्दलीय चुनाव लड़े हार गए, लेकिन अब के बाद हरियाणा में पहले जीत इन्हीं की होगी, मान के चल रहे हैं आप? बिल्कुल मान के चलते, एक तरफा है कोसली में, एक तरफा है कोसली, कोसली हल्के में पहले ये मंत्री रहे हुए हैं, विधायक थे, मंत्री थे, और इन्होंने इस हलके में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य करवाए, सरकार में पूरी जनता की भागीदारी थी, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने इनका जनाधार देखते हुए, इनकी छवि को देखते हुए, और यहाँ के लोगों की मांगों को देखते हुए, और यहाँ का जो विकास का पिछड़ापन है उसको देखते हुए, एक विकासशील पुरुष को
और साफ छवि को जनता में पकड़वा नेता वो टिकट दिए। 10 साल का जो भाजपा का राज रहा ना भाई साहब, पत्रकार साहब, 10 साल के राज के अंदर जो 10 साल का कार्यकाल भाजपा को जनता ने दिया, इस कार्यकाल में इसने बेरोजगारी, आपस में जातिवाद, धर्म के नाम पर राजनीति करके इन्होंने देश को फाड़ने का काम किया है, तो क्या माने 10 साल से बीजेपी का राज रहा है, चाहे कोसली की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए हैं, बीजेपी उम्मीदवार पर खड़ी उतरी है? नहीं, देखो आप खुद देखते हो कि इनकी जो घोषणाएं थी, भाजपा सरकार जैसे सत्ता में आई थी, इन घोषणा के बाद सब झूठे वादे किए, आज तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो बिल्कुल झूठ। नौकरियों को इन्होंने कति तड़े लगा दिया। अब उम्मीद किससे? अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी से, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने और जगदीश यादव यहाँ से एमएलए बने और मंत्री बने। एक तरफा जीत भी है जगदीश यादव जी की। अब हमें उम्मीद है रोजगार की, उम्मीद इलाके में विकास की, उम्मीद हुड्डा सरकार से है, जगदीश यादव जी से। जी बाबा, क्या नाम? मेरा भोम सिंह नाम है। कौन से गाँव? बेली खुर्द से। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हो? जगदीश यादव क्लियर है। क्लियर है जगदीश यादव? बिना चुनाव मान लिया? बिना चुनाव मान लिया हमने, बहुत आगे चल रहे। क्या मार्जिन मान लिया? बहुत मार्जिन। मार्जिन क्या? बहुत मार्जिन, बहुत ज्यादा पड़ेगी। कोई बात नहीं जी, काफी काफी वोटे पड़ेंगे, इतनी लीड हो जाएगी, समझ ऐसी बहुमत से भी जाओगे जगदीश यादव से? जीत रहे हैं जी भाई, समझ में नहीं आएगी आप कितनी जीत, पूरे हरियाणा में नाम होगा पूरे भाई। बात सुन ले, अगर आज अगर मोदी भी इसके बराबर में आ जाएगा तो भी 50,000 तय जीतता को, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। अगर आज आप देख लियो, और मैं एक बात बताऊं, सुन, लोग डर रहे हैं थोड़ा सा, आओ खोजा कुछ भी, आओ कुछ नहीं होता, लेकिन सामने जब छोर सो ऐसे तो उनकी माँ के कहेगी बेटा आओ ऐसे, तो ये आओ तो डर रहा है आज, वो आओ भी लिखड़ जाओ। बीजेपी वाला कैंडिडेट कितना मजबूत है? अरे कुछ भी कौन है, नथिंग है, जीरो है, अरबे से कह दिए जीरो है। वोटों से जिला परिषद में हार रहे वो पहले भी। इस इलाका में दमदार जगदीश का सिवा कोई नहीं, दीपेंद्र का सिवा कोई नहीं, सब जीरो नील। ठीक है जी। अच्छा ये कहते हैं कि बीजेपी की जो है लहर चलती है अहिरवाल क्षेत्र में, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी गई साफ, कभी हाँ कभी साफ गई, कांग्रेस आ रही है, लहर सिर्फ जगदीश यादव की। हाँ हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, सरकार बहुत भारी आहुति दी है बोरा जी के, मतलब ये 30 साल में से आज बोरा जी दूर रहे से, इतनी भारी आहुति से बिल्कुल ऐसी वोट है, वे सब कांग्रेस के साथ है, हुड्डा जी के साथ है, ऐसी जितनी भी वोटें हैं हरियाणा में, जगदीश यादव के साथ, जगदीश यादव जी के साथ हमेशा ऐसी वोट रही है, रहेगी। 30 साल तक लोग आते जुड़े हुए इंसान यो ही से एक एक इंसान से जो इब्राहिम ने नू कह दे कितना फार्म भर लिया, एक भी फार्म ना आया, मैं खुद बताऊं सच। उम्मीद किससे आप? उम्मीद कांग्रेस पार्टी। और कोसली में? कोसली में भाई जीतता है जगदीश, बिल्कुल क्लियर क्लियर न्यारी जीते जगदीश यादव, जगदीश यादव। अरे क्लियर जीतते गो, मैं कहूँ सारी झूठ पकड़ दी हमने, बस ये हमारा झूठा मुद्दा यो है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी कर दी बीजेपी सरकार ने। 15,000 वोट से जीतते गो, 15,000 थे, तू कितना लगा लिए बात जीतते, जीत से जीत है, बिल्कुल जीत, जीत जाए उन दिन पंप आज जी दिखाऊंगा, बिल्कुल जीतते गो, बस हरो डांस हवा दे गो, जगदीश की 50,000 कैबिनेट मंत्री बने गो। ये जोश है लोगों का, मतलब ये शहज को कितनी हो गया? मेरे 75 साल हो गए, 16 साल का बढ़ते भी गणो जोश आप। मेरा जोश ही है, ताकत से उसकी जीतने क्या हुए, इसको जिताने की ताकत से, बिल्कुल है इतना, आखिर तक बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, अत भी ज्यादा बनेगी, ज्यादा 5 तारीख, हाँ 8 ना तू सुन लिया रिजल्ट, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप, देख लेना 8 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। जगदीश यादव बनेगा जी, बहुत भारी वोटों से, बहुत भारी वोटों से जीत नहीं, बहुत भारी। बीजेपी कहती है कि कोसली में हमने जो काम करवाया किसी ने करवाया, कोई काम नहीं करवाया, कोई भी काम झूठ है सारी, बिल्कुल कुछ भी को ना झूठ के कागजों में बना रखे है धरातल पे, कौन 1,000 वोट पर जगदीश की है अटल,
अकेले की 70,000 उसमें कांग्रेस की ओर जुड़ेंगे, अलग है वो, कांग्रेस की अलग अलग जुड़ेगी, तो मार्जिन में आएंगे वो, मार्जिन में है। जगदीश यादव बनेगा और कोई हलाने वाला नहीं है। कितनी होगी बाबा उम्र, कितनी होगी? 85 साल। कितने साल से जुड़ रहे हो जगदीश के? 33 साल से। 33 साल इधर से उधर नहीं हुए कहीं? बिल्कुल नहीं, मन नहीं बदला एक जगह। परिवर्तनशील जमाना है, हर वस्तु रंग बदलती है। वक्त भया ने कहा था तो हवा के भर की चलती है, सूर्य की गर्मी समुद्र के लहरों में पड़ती है, आकाश में जाके वहाँ बढ़ के वही आ जाती है। जुल्म कब तक जुल्म करेंगे? 7 साल के अधिकार जुल्म कब तक जुल्म करेंगे? 7 साल के अधिकारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। राजशाही नहीं चलेगी, रानी बेगम नहीं चलेगी, धोखेबाज नहीं चलेगी। गांव गांव और गली गली में वोट देना पानी ने, थारे राजा जी के लात मार दे नार डाल के पानी ने। 8 तारीख लाना ये जोश जगदीश यादव के लिए। हाँ बना रहेगा ये जोश जगदीश यादव। लाख छुपाओ तुम ना सके, राज हो कितना गहरा, असली नकली बात बता रहा पब्लिक का चेहरा। यह रेल जनता नहीं बैकेगी, जनादेश स्पष्ट है। बोहरा जी बीर कोसली से भारी मतों से विजय हो रहे हैं। ये बार बार के बंडे जो रोवण हैं, मैं सीएम बनूंगा, हर बार डम्मी कैंडिडेट कोसली में, लगातार 10 साल से जनता इनके कार्यकाल से त्रस्त हो चुकी है। ना पानी है, ना रोजगार है, ना MSP है किसानों के। कहती विकास की गंगा बहाती 10 साल में कोसली के। नहीं भाई, विकास की बीजेपी ने सारा विकास नहीं, विकास का विनाश कर दिया बीजेपी ने। ये बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है, काले से धोड़ा नहीं होगा, लिखवा लो ची। अच्छा, आज दीपेंद्र उड़ा रहे हैं, कितना परिवर्तन होगा इस रैली के? एक तरफा जीत गए जगदीश यादव, आज से ये समीकरण एक तरफा हो गया है। एक तरफा होगा, 50,000 वोटों से जीत, 50,000 100% भाई दीपेंद्र उड़ा 100% पलट के जाएंगे, 100%। इसमें कोई तो लीड होगी। अब की बार 52 से 60, अब की बार कांग्रेस सरकार बीजेपी तड़ी पार। ये बताओ बीजेपी ने किया क्या? अग्निवीर बना दिए, 20,000 में अग्निवीर बनाए जाते क्या है? किसान को क्या बना दिया? रोड पे ला दिया, क्या मतलब है बीजेपी का ये? बीजेपी बीजेपी क्या है बीजेपी? इंद्रजीत ने भट्ठा बैठा दिया भाई देश का, आगे समझ में। और भाई हम तो कांग्रेस से हैं, कजे थे। ये बताओ इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहेगा इस बार चुनाव में? कुछ नहीं, अब के जीरो है इसका। कोसली में कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ लहर सिर्फ कांग्रेस के है, दीपेंद्र हुड्डा जगदीश यादव का। दीपेंद्र हुड्डा विनय कौन से गांव? नया गांव जाटों वाला से। क्या लग रहा है, क्या माहौल अपने गांव? माहौल एक तरफा जीतेंगे हम। हम मतलब 1,00,000 वोटों से भाई जगदीश यादव, भाई जगदीश यादव बिल्कुल भाई 50,000 वोटा जीतेगा जगदीश यादव। युवाओं का क्या मन है, किधर है मन? युवाओं का मन तो भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। या बीजेपी सरकार को क्या कर भैया ने सरपंच लठ मारिया, मास्टर था मास्टर PTI से मार करे भैया ने, या सरकार को क्या कर भाई? यहाँ तो कांग्रेस घनी अच्छी भाई। तो ये कोसली के अंदर मौजूद है, आज दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी जनसभा जगदीश यादव के समर्थन में कोसली के अंदर होने वाली। मेरा काम लुखी है, ठीक है, मैं इस पार्टी का पक्का भगत हूँ, ठीक है सर। और इस पार्टी ने जो काम कर जगदीश यादव ही किसी पार्टी से लड़ो, इलेक्शन ही है यही काट सकता है यहाँ से, ठीक है सर। तो ये तस्वीरें जो है कोसली के हम दिखा रहे हैं लगातार जगदीश यादव के समर्थन में। आज दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के युवा नेता सबसे चर्चित नेता हरियाणा प्रदेश के हैं, वो जो है जनसभा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करवाई। सवाल करने की जरूरत नहीं है, लोगों के अंदर गुस्सा है और कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया कि इस बार माहौल जो है जगदीश यादव के पक्ष में है। जिस तरीके से 30 सालों से सत्ता से इनकी दूरी रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो 30 साल का संघर्ष है वो इस बार इनके काम आने वाला है। और कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस की लहर कोसली में चलेगी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रभाव खत्म हो गया और अब भी जो है बीजेपी किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रभावी नहीं रहने वाली है। जनता जनार्दन ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि कांग्रेस को लेकर आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, नमस्कार, जय हिंद।